ये है हमारे पास सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा जो कि अब 1 लाख आपको इंडियन में देखने को मिलता है, और साथ ही साथ दूसरी तरफ है हमारे पास आईफोन 15 प्रो जो कि अराउंड जो है अब 1 लाख ही आपको इंडिया में यहाँ पे देखने को मिलता है। तो दोनों ही वेरिएंट जो है आपको यहाँ पे टाइटेनियम कलर में यहाँ पे देखने को मिले हैं, और दोनों ही फोन जो है फ्लैगशिप फोन है इस टाइम पे इंडियन मार्केट में। तो आज के इस वीडियो में हम दोनों ही फोन्स का जो है साइड बाय साइड एक कंपैरिजन करने वाले हैं, जिसमें हम इसके एनिमेशंस, इसकी साउंड क्वालिटी और डिस्प्ले वगैरह को यहाँ पे चेक करने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देगा, चैनल के सपोर्ट एंड मोटिवेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो जैसा कि स्टार्टिंग में ही बता दिया कि दोनों जो है फ्लैगशिप फोन्स हैं, एक एंड्रॉइड का फ्लैगशिप फोन आपको देखने मिलता है और दूसरी तरफ आईफोन 15 प्रो जो कि लेटेस्ट इस टाइम पे आईफोन की तरफ से डिवाइस है। तो सबसे पहले जो है दोनों ही फोन्स के अंदर जो हम एक साउंड टेस्ट करने वाले हैं, किसकी साउंड क्वालिटी जो ज्यादा बेटर आपको देखने को मिलती है। तो दोनों ही फोन्स में जो वॉल्यूम जो है हमने फुल कर दिया है, अब चेक करते हैं क्या यहाँ पे साउंड आउटपुट यहाँ पे देखने मिलता है। सबसे पहले गैलेक्सी S24 अल्ट्रा, आप देख ही चुके हैं किस तरीके के साउंड रिजल्ट जो है आपको देखने को मिले हैं। आईफोन 15 प्रो के अंदर है थोड़ी सी जो साउंड क्वालिटी है वो आपको बेसी यहाँ पे देखने को मिलती है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि दोनों ही फोन जो है आपको टाइटेनियम वेरिएंट में यहाँ पे देखने को मिले हैं, और दोनों के ही कलर जो है आपको कुछ यहाँ पे इस तरीके देखने को मिलता है। थोड़ा सा जो है आईफोन के अंदर जो है आपको ब्लूइश टोन यहाँ पे देखने को मिलती है जो कि सैमसंग में यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है। तो अब साउंड टेस्ट के बाद जो है हम दोनों ही फोन को एक डिस्प्ले टेस्ट यहाँ पे करने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं S24 अल्ट्रा के अंदर जो है आपको 6.8 इंच के जो है फुल रेक्टेंगल जो है डायनेमिक एमोलेड 2X जो है मेन डिस्प्ले यहां पे देखने को मिलती है। 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश के साथ ये आपको देखने को मिली है। वहीं आईफोन 15 प्रो की बात करें तो 6.1 इंच की जो है डायगनल जो है आपको ऑल स्क्रीन OLED डिस्प्ले देखने मिलती है। सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले आप इसको बोल सकते हैं। अब दोनों ही फोन्स में जो है हम एक वीडियो को प्ले करने वाले हैं जिसके थ्रू आपको आइडिया हो जाएगा किस तरीके की क्वालिटी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। तो दोनों ही फोन में हम एक वीडियो प्ले करने वाले हैं जो कि आपको 4K 60fps में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो कुछ किस तरीके की क्वालिटी आपको देखने मिलती है जिससे आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे आइडिया होने वाला है। तो दोनों को जो है एक बार हम जूम यहाँ पे कर लेते हैं ताकि फुल स्क्रीन पे जो है आपको यहाँ पे देखने को मिले। अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों ही कैमरे का जो पंच होल है आपको S24 अल्ट्रा में जो है ज्यादा बेटर यहाँ पे देखने को मिलता है, क्योंकि आपको यहाँ पे डायनेमिक एलिमेंट के साथ यहाँ पे पंच होल देखने मिलता है जो कि कभी कभार जो है आपका व्यूइंग एक्सपीरियंस जो है थोड़ा सा खराब कर देता है। तो कुछ इस तरीके की डिस्प्ले क्वालिटी आप दोनों ही फोन्स में आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। दोनों ही फोन्स के अंदर जो है हमने एक ही वीडियो को यहाँ पे प्ले किया है 4K 60fps में। आप यहाँ पे वीडियो को स्मूथली जो है यहाँ पे रन कर पाते, कोई भी आपको लैग या स्लटर जो है यहाँ पे देखने को नहीं मिला है। तो डिस्प्ले वाइज जो है मुझे S24 अल्ट्रा जो है एज कम्पेयर टू जो है आईफोन 15 प्रो जो है यहाँ पे ज्यादा बेटर लगा है। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा कि किसका डिस्प्ले जो है आपको यहाँ पे इस टाइम पे ज्यादा बेटर देखने को मिल रहा है। दोनों ही फोन में आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का सपोर्ट मिल जाता है, जिसमें आपको वॉलपेपर भी जो है अब आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में शो करता है, और कुछ इस तरीके एनिमेशन जो है आपको यहाँ पे देखने मिलते। थोड़ी बहुत जो है सिमिलरिटी आपको इनके लॉक स्क्रीन में आपको देखने को मिलेगी। इवन जो है अब आप भी जो है S24 अल्ट्रा यानी कि 1UI 6.1 में जो है लॉक स्क्रीन के अंदर जो है काफी सारे विजेट्स जो है यूज करते हैं, जो कि मोस्टली देखा जाए तो पूरे जो है आईफोन से ही कॉपी किए गए हैं। बिल्कुल वैसे ही आपको वहां पे कस्टमाइजेशन आपको देखने को मिलता है जो कि आपको आईफोन 15 प्रो में यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि अभी आपको दिखाने वाला हूं। तो ये देखिए आप लॉक स्क्रीन के ऊपर थोड़ी देर होल्ड रखेंगे और उसके बाद जो है कुछ इस तरीके से आप इनको कस्टमाइज करते हैं। जो भी विजेट्स आपको चाहिए आप उनको यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। कुछ इसी तरीके के ऑप्शन जो है आपको यहाँ पे आपके आईफोन 15 प्रो में भी देखने मिलते हैं।
इसी तरीके की कस्टमाइजेशन जो है आपको यहाँ पे आपके आईफोन 15 प्रो में भी आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पे भी आप टैप करेंगे तो आपको विजेट्स के सेक्शन यहाँ पे देखने को मिलते हैं और उनको कुछ इस तरीके से ऐड करते हैं, फॉन्ट के कलर्स को चेंज करना चाहें तो वो सभी ऑप्शन जो है अब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन जो है दोनों ही फोन में जो है आपको सिमिलर ही यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। बट आईफोन 15 प्रो के अंदर आपको डेप्थ इफेक्ट के वॉलपेपर इफेक्ट देखने को मिलता है बट जो कि आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। बट यहाँ पे आप फ्रेम्स वगैरह को यूज करना चाहें तो कुछ इस तरीके से आप इनकी फ्रेम्स वगैरह को यूज कर सकते हैं, कलर्स को चेंज करना चाहें, फिल्टर्स इफेक्ट्स देना चाहें तो वो आप यहाँ कर सकते हैं, जो कि आप इसके अंदर भी आप अपने आईफोन 15 प्रो में भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो मुझे आप कमेंट करके जरूर बताएगा किसकी AOD स्क्रीन जो है आपको S24 अल्ट्रा या फिर आईफोन 15 प्रो की जो है यहाँ पे ज्यादा बेटर लगी है। दोनों में एक जैसी सिमिलरिटी आपको देखने मिलती है। आप इसके अंदर वॉलपेपर इफेक्ट को डिसेबल करना चाहें तो वो भी आप इनकी सेटिंग्स में से जाके कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि दोनों ही फोन्स में आपको बहुत कम बीजल्स यहाँ पे देखने मिलते हैं और एनिमेशंस के मामले में दोनों ही फोन काफी अच्छे हैं। दोनों ही फोन को जो 120 हर्ट्ज का सपोर्ट आपको देखने मिलता है। तो ये कुछ इस तरीके की आपको जो है वेदर के एनिमेशन जो है यहाँ पे आपको 1UI 6.1 के जो है S24 अल्ट्रा में यहाँ पे प्रोवाइड किए गए। कुछ इस तरीके का जूम इफेक्ट जो है आपको वॉलपेपर में भी यहाँ पे देखने को मिलता है। और दूसरी तरफ हम अगर आईफोन 15 प्रो की बात करें तो आप देखेंगे कुछ इसमें कुछ इस तरीके का इफेक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा किसके वेदर के एनिमेशन जो है आपको यहाँ पे ज्यादा बेटर लगे हैं। तो आप देख पा रहे हैं कुछ इस तरीके की वेदर की स्क्रीन आपको दोनों ही iOS में यानी कि OS में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। नो डाउट एनिमेशन जो है दोनों ही फोन्स में काफी स्मूथ आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। विजेट्स के ऐप क्लोजिंग और ओपनिंग एनिमेशन जो है काफी स्मूथ आपको इन दोनों ही फोन्स में आपको देखने को मिलते हैं। अब ऐप ओपनिंग क्लोजिंग के एनिमेशन की बात करें तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कुछ किस तरीके के एनिमेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। दोनों ही फोन जो है इस टाइम पे अपने 120 हर्ट्ज पे ही यहाँ पे काम करें और दोनों ही फोन्स में जो है आपको वॉलपेपर में एक जो है जूम इन इफेक्ट यहाँ पे जब भी आप किसी एप्लीकेशन को लॉन्च करते हैं कुछ उस तरीके का इफेक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इवन S24 अल्ट्रा में अब आपको काफी सारे जो है AI के फीचर्स भी आपको देखने मिलते हैं। अगर आप नए मार्क पर कुछ इस तरीके से होल्ड रखते हैं तो जो गूगल असिस्टेंट जो है लॉन्च होता है और आप सर्कल टू सर्च करके यहाँ से कुछ भी चीजों को इजीली यहाँ पे आप सर्च कर पाते हैं। बट ऐसा फीचर जो है आपको यहाँ पे इस टाइम पे अपने iOS iPhone 15 Pro में यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। अगर दोनों ही फोन के कंट्रोल सेंटर की बात करें तो आप सिंगल स्वाइप से जो है iPhone 15 Pro के कंट्रोल सेंटर को एक ही बारी में जो है स्वाइप डाउन कर सकते हैं। बट S24 अल्ट्रा के अंदर आपको दो बार इसको स्वाइप करना पड़ता है। कुछ सिमिलर ही लुक्स आपको यहाँ पे देखने मिलेंगे। ओवरऑल देखा जाए जो डिजाइन जो है मुझे S24 अल्ट्रा का जो है यहाँ पे बेटर लगा है। इसमें आपको इसको फुल्ली कस्टमाइज करते हैं किस तरीके से आपने इनको यूज करना है। कस्टमाइज के ऑप्शन आपको इसके अंदर ही मिलते हैं बट इसके लिए आपको सेटिंग्स के अंदर जाना पड़ता है। डायरेक्टली जो है आप इनको यहाँ से कस्टमाइज नहीं कर सकते। ये एक ड्रॉबैक जो है मुझे iOS के अंदर देखने को मिलता है कि कंट्रोल सेंटर को आपको कस्टमाइज करने के लिए सेटिंग्स में जाना पड़ता है जो कि आप यहाँ से अपने 1UI 6.1 के S24 अल्ट्रा में यहाँ पकड़ते हैं। वाई फाई पर कुछ इस तरीके टैप करते हैं कुछ इस तरीके के एनिमेशन देखने मिलते हैं और उसी तरीके जो है कुछ इसी तरीके के एनिमेशन आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो आपको कुछ इस तरीके कंट्रोल सेंटर यहाँ पे देखने मिलते हैं और कुछ इस तरीके एनिमेशन के साथ आप इनको ओपन या क्लोज करना चाहें वो आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डबल स्वाइप करना पड़ता है, यहाँ पे सिंगल स्वाइप से आप इनको ओपन या क्लोज करना चाहें वो कर सकते हैं। दोनों ही फोन में आपको रीसेंट टैब्स का सपोर्ट आपको देखने मिलता है। देख पा रहे होंगे iOS में आपको कुछ इस तरीके के रीसेंट टैब्स देखने मिलते हैं जो एक के ऊपर एक आपको यहाँ पे देखने मिलते हैं और यहाँ पे आपको 1UI 6.1 के अंदर जो है आपको साइड बाय साइड जो है ये सारे के सारे जो है यहाँ पे आपको रीसेंट टैब्स यहाँ पे देखने मिलते हैं। यहाँ पे आपको क्लोज ऑल का बटन देखने मिलता है बट आईफोन में जो है ऐसा कोई भी बटन आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। तो ये कुछ चीजें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। अगर दोनों ही फोन के ऐप्स के फंक्शंस की बात की जाए तो किसी भी ऐप के ऊपर होल्ड करके आपको यहाँ पे काफी सारी चीजें और भी ऑप्शन देखने मिलते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे आपको आईफोन के अंदर जो है कुछ इस तरीके के ऑप्शन मिले हैं और आपको आप S24 अल्ट्रा के 1UI 6.1 में भी कुछ उसी तरीके के ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको ब्लर बैकग्राउंड देखने मिला है और यहाँ पे भी आपको ब्लर बैकग्राउंड देखने को मिलता है बैकग्राउंड पे। बट यहाँ पे आप देखेंगे तो वॉलपेपर जो है ब्लर बैकग्राउंड नहीं होता है, यहाँ पे पूरा पूरी स्क्रीन जो है आपकी ब्लर बैकग्राउंड होते हैं और वो पर्टिकुलर ऐप ही जो है आपको वहाँ पे नीचे विजिबल रहता है। जैसे कि आप देख पाएंगे यहाँ पे सिर्फ आपको फोन का आइकन यहाँ पे विजिबल है, बाकी सारी चीजें जो है ब्लर हो चुकी हैं। यहाँ पे आपको सभी आइकन्स विजिबल है, बस जो आपके जो आपकी पॉपअप स्क्रीन है वो आपको बैकग्राउंड इफेक्ट आपको यहाँ पे प्रोवाइड करती है। स्क्रोलिंग के मामले बात करें तो मुझे जो है आईफोन 15 प्रो जो है यहाँ पे ज्यादा बेटर लगा है। काफी स्मूथ स्क्रोलिंग जो है आपको यहाँ पे देखने मिलती है। एंड्रॉइड में भी आपको ये चीजें देखने मिलती है बट कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको कभी कभी जो है ट्विटर या कुछ ऐसी एप्लीकेशन में जिटर यहाँ पे देखने मिलता है जो कि कोई एंड्रॉइड का इशू यहाँ पे मुझे देखने मिलता है। ओवरऑल देखा जाए स्क्रोलिंग जो है आपको आईफोन 15 प्रो के अंदर जो है काफी स्मूथली यहाँ पे देखने को मिल जाती है। बट ओवरऑल देखा जाए तो S24 अल्ट्रा भी जो है यहाँ पे काफी अच्छा जो है ट्विटर पे परफॉर्म करता हुआ आपको देखने को मिल जाता है। तो बस आज के इस वीडियो में हम छोटा सा ये कंपैरिजन करने वाले थे S24 अल्ट्रा और iPhone 15 Pro के बीच में कि क्या क्या चीजें जो है आपको दोनों ही फोन के अंदर यहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देगा। चैनल के सपोर्ट एंड मोटिवेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।